ब्याह करना कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं। इस मामले में जल्दबाजी करना ठीक नहीं है बहन। इस मामले में जल्दबाजी करना ही ठीक है। ये मौका एक बार हाथ से निकल गया तो मुंबई पहुंचकर गोविंद हाथ में नहीं आएगा। हाँ, हाँ। जिंदगी भर कुमारा बैठा रहेगा, क्यों जी? अरे वाह, कभी कभी मेरी पत्नी जो है बिल्कुल सही बात कह देती है? है और ये बात सही होने के दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि गोविंद ने हमें वचन दिया था कि चार धाम की यात्रा करने के बाद जब वो मुंबई पहुंचेगा तो वो तुरंत शादी कर लेगा। और दूसरी बात यह है कि लड़का और लड़की एक दूसरे को चाहते हैं और लड़की राधिका हमें बहुत अच्छी लगती है। लड़की तो बहुत अच्छी है पर बहू के रूप में। देवकी, जिसने आज तक नर्स का कर्तव्य एक बेटी की तरह निभाया है वो बहू का कर्तव्य भी निभा ही लेगी। और गोविंद और राधिका का संबंध इस द्वारका धाम में हो जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब। मुंबई पहुंचने के बाद जो धूमधाम से होगी गोविंद की शादी, क्यों ना उसका शुभारंभ यहाँ मुन्नू की शादी में किया जाए, गोविंद और राधिका की मंगनी के साथ। इस आदर्श सुखी परिवार की मनभावन छवि को। ये सब तो आप ही की तपस्या का फल है। हमारे बिखरे हुए परिवार को पिरोने का पावन काम तो आप ही ने किया है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अरे ये तो जीजाजी चार धामों के चमत्कार ने उपकार किया है। इसी उपकार पर उपकार की खुशी में मैंने एक धर्मशाला बनवाई है जिसका नाम रखा है वासुदेव धर्मशाला। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये लीजिए करमचंद जी, ये शुभ कार्य अपने हाथों से संपन्न कीजिए। नहीं सेठ जी, इसके असली हकदार तो जीजा जी हैं। वासुदेव धर्मशाला का श्री गणेश इन्हीं के हाथों से होगा और पूरे परिवार समेत ये एक रात यहाँ बिताएंगे। देखिए ये उपकार इसलिए होगा कि अगर आप यहाँ रह गए ना कि ये धर्मशाला पवित्र हो जाएगी बल्कि आपके परिवार की खुशी की खुशबू हमेशा के लिए यहाँ पर बच जाएगी। दीदी, ये परोपकार कर दिया तो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अगर आपकी यही इच्छा है भैया तो एक रात की तो बात है, यहीं बिता लेंगे, क्यों जी? ठीक है, इसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो फिर देर किस बात की, लीजिए नारियल और कर दीजिए शुभारंभ। आइए